2024 के सियासी मुकाबले के लिए बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने मोहरों को मैदान में उतारने का ऐलान करने लगे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें पीएम मोदी और 34 मंत्रियों के साथ 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। उधर बिहार में भी चुनावी बयार की रफ्तार तेज पकड़ने लगी है। कल प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बाद आज पटना में जनविश्वास यात्रा की महारैली है और गांधी मैदान की इस रैली में विपक्ष के बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। तीन तस्वीरें पहले वो दिखा देते हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जब एक साथ नजर आएंगे गठबंधन को मजबूती देते हुए, इंडिया गठबंधन एक साथ एक मंच पर, और इसमें संदेश वही, एक साथ हैं हम, कि गठबंधन एकजुट है। और उत्तर प्रदेश में भी सीटें फाइनलाइज होने बाकी हैं। सीट बंटवारा कब होगा सवाल ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पहली सूची उतार दी है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के पहले आज पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली है। इस वक्त हम लालू प्रसाद यादव के आवास पर हैं। ये 10 सर्कुलर रोड आवास है और यहाँ पर लगातार जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो अलग अलग जिले से लोग आ रहे हैं, उनका हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग कूच कर रहे हैं गांधी मैदान की तरफ। हालांकि मौसम का मिजाज बीती रात ही बिगड़ गया था और बारिश भी हो रही है, लेकिन आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। एक तरफ नारेबाजी है जो कार्यकर्ता है, नेता है उनकी, और दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसमें जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो गांधी मैदान का रुख कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, इनके अलावे जो बड़ी संख्या में जिलों से नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंचेंगे। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको भी पटना पहुंचना है, इस रैली में शामिल होना है, और राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस रैली में शिरकत करने वाले हैं। जो लेफ्ट फ्रंट के नेता हैं वो भी शामिल होंगे, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो भी शामिल होंगे। तो हर काफिला, हर कारवां आज पटना के गांधी मैदान की तरफ कूच करेगा। आप देखिए जत्थे निकल रहे हैं कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, और सब जा रहे हैं गांधी मैदान की तरफ, क्योंकि गांधी मैदान में ही आज शक्ति परीक्षण है, जिस शक्ति परीक्षण के जरिए महागठबंधन जो बिहार में है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया ब्लॉक कहा जा रहा है, उसकी तस्वीर सामने आएगी। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक पटना। लालू प्रसाद यादव निश्चित तौर पे मैसेज दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो रैली है वो अभूतपूर्व होगी और गांधी मैदान में महागठबंधन की जो ताकत है वो दिखेगी आज। और देखिए ये लगातार यहाँ से मैसेज देने के लिए खुद लालू यादव ने कमान संभाल ली है अपने 10 सर्कुलर आवास पे, राबड़ी देवी उनके साथ हैं और तमाम नेता और कार्यकर्ता जो आ रहे हैं अलग अलग जिलों से, उन लोगों को यहाँ से उत्साह वर्धन भी किया जा रहा है। लालू यादव अपने तरीके से मैसेज भी दे रहे हैं और यहाँ से सभी गांधी मैदान के लिए कूच कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नरीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक पटना। तो तेजस्वी यादव की रैली है और इसी बहाने विपक्ष को शक्ति प्रदर्शन का मौका भी मिलने जा रहा है। राहुल गांधी भी नजर आएंगे एक साथ, अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश से बिहार, लेफ्ट के नेता भी मन साझा करेंगे, तमाम आपको नेता लेफ्ट के भी नजर आ जाएंगे, डी राजा से लेकर सीताराम येचुरी तक। मैसेज क्लियर है कि हम एक साथ है। चलिए बिहार में महागठबंधन की जो रैली है, कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहा है इसको विस्तार से बता देते हैं। लालू प्रसाद यादव होंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे ही, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा हैं। और चलिए अब जरा बिहार में क्या हलचल है, इस रैली में क्या लोग पहुंच चुके हैं, तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है समझते हैं। रुक करेंगे आदित्य वैभव का। आदित्य वैभव पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आदित्य, तस्वीरें भी दिखाते रहिए और दर्शकों को जानकारी भी पहुंचाते रहिए, कितना ये महत्वपूर्ण रैली हो जाती है इस गठबंधन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, क्या कुछ जनता कह रही है सपोर्टर्स। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना के एक गांधी मैदान से, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर समर्थक भारी संख्या में जुटे हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी यहां पर समर्थकों का हुजूम देखकर आप ये कह नहीं पाएंगे कि क्या उन्हें कोई समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको ये भी बताया आशुतोष, कि सुबह से यहाँ पर समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया था और यहाँ सभा को शुरू करते हुए मनोज झा ने साफ तौर पर बताया कि 11 दिनों की जो जन विश्वास यात्रा थी उसी
का फल ये है जो महारैली की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, ऐसे लोगों के भी आने की बातें की जा रही है। और आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ दो समानांतर मंच बनाने की जरूरत पड़ी है। मैं अपने वीजे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ दो मंच बनाने की जरूरत पड़ी है ताकि तमाम बड़े नेताओं को मंच पर बैठने की जगह मिल जाए। आशुतोष जी, थोड़ा आदित्य और आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, और अगर आप चाहें तो लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम सपोर्टर्स हमें नजर आ रहे हैं आपके आसपास जो सपोर्ट देने पहुंचे हुए हैं, तो चाहें तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कुछ। जी बिल्कुल आशुतोष, हम बात करने की कोशिश करेंगे समर्थकों से। कहां से आए हैं आप? हम विजयनगर से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ी देर पहले आप काफी डांस कर रहे थे जब गाना वाना बज रहा था। हाँ बोलिए। बात की खुशी है? खुशी इसलिए है कि तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी से मिल रहे हैं? जी हम मोतिहारी से आए हैं, पूर्वी चंपारण। बारिश हो रही है आप? जी बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग दिल में तेजस्वी यादव है और हमेशा रहेंगे। हम लोग इसी के लिए यहाँ देखने आए उनको, और काफी सैलाब है, आप देख सकते हैं पूरा इतना मंचुक। हम लोग स्वागत समिति में हैं, लगे हुए हैं, कल हम लोग कल से ही लगे हुए हैं। तैयारी है अगर तेज बारिश हो जाएगी? कैसे? अच्छा, आप तो सुबह भी आए होंगे, देखे होंगे, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा था सुबह उस समय इतना हुजूम आया, तो अब तो भगवान भी देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं साफ तौर पर आशुतोष की किस तरह का। ठीक है आदित्य, बिल्कुल आदित्य जुड़े रहिए, फौरन आपका हम रुख करेंगे। लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन है, बस अब इसकी लगातार हम तस्वीरें भी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने का ये पूरा जो मंच, समझ लीजिए गांधी मैदान, इसमें संख्या भी अच्छी खासी आती है। अब इसमें लेफ्ट के नेता भी होंगे, इसमें राहुल गांधी कांग्रेस से पहुंच रहे हैं, उनके साथ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे हैं। मुद्दों का मैदान, महाप्रभु का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिलें नहीं बन रही, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।